आधार कार्ड अपडेट न होने की स्थिति में पेंशनधारियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने आधार अपडेट कराने की अपील की है। निगम भिलाई द्वारा लगातार शिविरों के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। साथ ही जो आधार कार्ड 10 वर्ष पूर्व बने थे उनका अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। आधार अपग्रेड न होने की स्थिति में पेंशनधारियों की पेंशन उनके खाते में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसे लेकर पेंशनधारी हितग्राहियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, परंतु कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने पेंशनधारी हितग्राहियों से अपील की है कि अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं और बैंक से केवाईसी भी अपडेट कराएं। इसके लिए 9 जनवरी से वार्डवार आधार कार्ड अपडेट करने हेतु शिविर प्रस्तावित किया गया है। आधार कार्ड अपडेट कराने वाले लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और काफी आसानी के साथ उनकी पेंशन की समस्या को खत्म किया जा सकता है। भिलाई नगर निगम के अंतर्गत सामाजिक सहायता सुरक्षा पेंशन योजना के जितने भी हितग्राही हैं जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व आधार अपना बनवाया था, मेरा उन सभी से अपील है कि अपने आधार को आज ही जाकर अपडेट कराएं आधार सेंटर पे, चॉइस सेंटर पे। इसके अतिरिक्त हम भिलाई नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं उसमें शिविरों का आयोजन करेंगे आधार अपडेट कराने के लिए। आधार अपडेट कराने के पश्चात आपको बैंक जाना पड़ेगा केवाईसी करवाने के लिए। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वार्ड स्तर पर भी शिविर लग जाएँ, बट प्रथम तया तो इसमें आधार अपडेट कराना ही आवश्यक है। और इसके लिए सोमवार से सभी जोन में वार्ड वाइज शिविर का आयोजन किया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है जो भी इस योजना के हितग्राही हैं कि वो अपना आधार, जिनका 10 वर्ष से पूर्व आधार बना है, वो अपना आधार अपडेट कराएं। नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, जिसे लेकर क्षेत्र के पेंशन हितग्राहियों के लिए यह शिविर प्रस्तावित किए गए हैं और शिविरों के माध्यम से उनका समाधान किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।